अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्चुअली ओजेनेसिस जो है ये इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन, और हमने इसके साथ ये डिस्कस करना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से होता है और किस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओजेनेसिस में हमने एग की फॉर्मेशन को देखना है, और एग की फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, ओवम की फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगी, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज के इस डिटेल्ड लेक्चर में इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस देखेंगे और ओजेनेसिस की डिटेल फॉर्मेशन भी देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है और वो कब स्टार्ट होती है और किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, सेम ऐसे ही कोई भी गुनेड है, चाहे वो टेस्टिस हैं चाहे वो ओवरीज हैं, खुद ब खुद कभी भी वो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करती। दे ऑलवेज नीड अ सिग्नल, और वो सिग्नल इनको कौन देता है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इनको सिग्नल देते हैं। और ये प्राइमोर्डियल सेल्स एक्चुअली एपिब्लास्ट में बनते हैं, और एपिब्लास्ट में बनने के बाद ये गुनेड पे जाते हैं और गुनेड सेल्स को ट्रिगर करते हैं कि अब तुमने जर्म सेल्स को सेक्रेट करना है। गुनेड इन केस ऑफ मेल इट विल बी आर टेस्टिस, और इन केस ऑफ फीमेल इट विल बी ओवरी, और ओवरी से हमेशा एग या ओवम रिलीज होगा और टेस्टिस से हमेशा स्पर्म रिलीज होता है। स्पर्म की फॉर्मेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन की थी, कौन से जीन्स हैं जो कि इसकी रिलीज को रेगुलेट कर रहे होते हैं, कब रिलीज होते हैं, कितने रिलीज होते हैं, ये हम डिटेल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली ओजेनेसिस की फॉर्मेशन देखनी है, यानी कि ओवम की फॉर्मेशन हमने देखनी है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं ये ट्रिगर करेंगे ओवरी को कि यहाँ से तुमने जर्म सेल्स को सेक्रेट करना शुरू करना है, यानी कि ओवम को रिलीज करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर हम ओवरी की बात करें तो फीमेल के अंदर जो ओवरीज है ना, ये दे आर टू इन नंबर। ठीक है, दो ओवरीज हैं फीमेल के अंदर, और ओवरीज जो हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन साइड द बॉडी, जबकि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर होती हैं। और बॉडी से बाहर होने का पर्पस एक्चुअली ये था कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर हमें 34 रिक्वायर होता है, जबकि जो बॉडी का टेम्परेचर है इट इज 37। तो अगर स्पर्म की प्रोडक्शन बॉडी के अंदर हो गई तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, जो स्पर्म की प्रोडक्शन हुई है वो डी नेचर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नेचर ने ही टेस्टिस को आउटसाइड द बॉडी रखा हुआ है, लेकिन जो ओवरी है वो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें कि ओवरी से ओवम कब रिलीज होता है, तो ये बहुत ज्यादा हैरानगी की बात है कि जो ओवरी है ये ओवम को तब ही रिलीज करना शुरू कर देती है जब बेबी अभी मदर की बॉडी में होता है, यानी कि जब फीटस है उसी में एग की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फीटस ओवरी। तो जो बेबी है जब तक वो मदर की बॉडी में रहेगा आफ्टर 3 मंथ, उसको हम फीटस कहेंगे। ठीक है, अब जो ओवरी है बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका पार्ट है कॉर्टेक्स और जो दूसरा इसका पार्ट है वो है मेड्योला। ठीक है, मेड्योला वो हिस्सा होता है जहां पर सारी की सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जहां पर उगोनिया सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉर्टेक्स में सारे उगोनियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन मेडियोला के अंदर कोई भी उगोनियल सेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में उगोनियल सेल प्रेजेंट हैं, जबकि मेडियोला के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। होता क्या है कि जो फीटस मदर की बॉडी में है अभी, उसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें माइटोसिस स्टार्ट होगी, और माइटोसिस के स्टार्ट होने के बाद वो बनाएगा प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था प्राइमोर्डियल सेल्स हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमोर्डियल सेल्स हैं इन्होंने माइटोसिस को स्टार्ट कर दिया है, और माइटोसिस के बाद इन्होंने प्राइमरी ऊसाइट बनाया है। ठीक है,
अब माइटोसिस के रिजल्ट में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम ही रहेंगे, 2n ही रहेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, माइटोसिस के बाद जो प्राइमरी ऊ साइट है ये फर्दर डिवाइड करना शुरू कर देता है, और ये प्राइमरी ऊ साइट जो है ये मियोसिस भी स्टार्ट कर देता है। पहले ये माइटोसिस कर रहा है, उसके बाद ये मियोसिस भी कर देता है। लेकिन अब इसके माइटोसिस जो मियोसिस है वो फर्दर प्रोसीड नहीं होगी, मियोसिस इसकी प्रोफेस 1 के डिप्लोटीन फेज पे जाके स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अभी हम फीटस की बात कर रहे हैं, और फीटस में एग की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो माइटोसिस कंप्लीट कर लेते हैं, मियोसिस स्टार्ट करता है, लेकिन मियोसिस के फर्स्ट फेज प्रोफेस 1 के डिप्लोटीन पे ये स्टॉप कर देता है, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, अभी आप सिर्फ इस फेज को देखो, बाकी सबको इग्नोर करो, ठीक है। इस फेज में क्या है कि जो प्राइमरी ऊ साइट है, जब इसने इसको प्रोफेस 1 पे स्टॉप किया जाता है, तो जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं इनको अपनी सराउंडिंग में जमा करना शुरू कर देता है। अब ये जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है, इट इज अ प्राइमरी ऊ साइट, और जो पर्पल में नजर आ रहा है ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं जिन्होंने जो कि इक्यूमुलेट हो चुके हैं प्राइमरी ऊ साइट के सराउंडिंग में, ठीक है। अब ये वाले जो सेल्स हैं इसको हम कहेंगे ये ग्रैन्यूलोजा सेल्स हैं, और इस पूरी को हम कहेंगे ये फॉलिकल है, तो इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। अब होता क्या है कि ये ओवरी में सारी की सारी स्ट्रक्चर्स, जब वे फीटस होती है तो सिर्फ ये सारी की सारी प्राइमरी फोलिकल्स होती हैं, ये कोई स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये बाद की स्ट्रक्चर्स दिखाई दी है, ठीक है। तो इमेजिन करें कि सारी की सारी ओवरी में जब वो फीटस है तो सारी की सारी प्राइमरी फोलिकल्स हैं, और हर ऊसाइट उसके अंदर क्या है, प्राइमरी ऊसाइट है, और सराउंडिंग में जो फोलिकल बना रहा है वो ग्रेन्यूलोजा सेल्स है, ठीक है। उसके बाद इसकी हो गई पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी हो जाती है बेबी की। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उसकी डिलीवरी के बाद क्या होगा कि इसकी जहां से माइटोसिस मियोसिस जो है वो स्टॉप हुई थी, ठीक है, मियोसिस स्टॉप हुई थी, और उसके बाद बहुत सारी फॉलिकल्स वहां पे बनी थी, मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स उसमें प्रेजेंट है। 12 साल तक, 12 से 13 साल, 12 से 13 साल जो होता है ना वो पुबर्टी का ईयर होता है, मतलब पुबर्टी हिट कर जाती है 12 से 13 साल तक, ठीक है। जब पुबर्टी हिट करेगी फीमेल को तो उस दौरान, उससे पहले ही जो प्राइमरी फॉलिकल्स मिलियंस में बनी हुई है वो डिजनरेट करना शुरू कर देंगी, बहुत सारी फॉलिकल्स डिजनरेट कर देती हैं, उसमें से कुछ फॉलिकल्स जो हैं वो सिर्फ रहती हैं। जो फॉलिकल डिजनरेट करती हैं उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। जब ये फॉलिकल पुबर्टी तक पहुंचता है तो इतनी फॉलिकल्स डिजनरेट कर जाती हैं कि एक ओवरी के पास सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 हजार फॉलिकल्स बचती हैं, 60 to 80,000 फॉलिकल्स एक ओवरी के पास बचती हैं, ठीक है। दो ओवरीज हैं, एक के पास कितनी होंगी, 60 to 80 फॉलिकल्स, ठीक है। अब पुबर्टी की एज पे ये पहुंच गया। अब पुबर्टी के बाद पहले उसकी जो डिवीजन थी वो कहाँ पे स्टॉप हुई थी, मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 की डिप्लोटीन पे स्टॉप हो चुकी थी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दोबारा से पुबर्टी के बाद अपनी डिवीजन को रिज्यूम करता है, अगेन स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। मियोसिस 1 को इसने कंप्लीट कर लिया, और आपको पता है कि मियोसिस के रिजल्ट में जब 1 मियोसिस होगी तो 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जब सेकेंड डिवीजन होती है तो 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या बनाएगी, प्राइमरी फॉलिकल 2 सेल्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। जैसे कि ये वाली जो फॉलिकल है ना ये प्राइमरी फॉलिकल है, और प्राइमरी फॉलिकल की सराउंडिंग में आपको ग्रेन्यूलोजा सेल्स नजर आ रहे हैं, और ये एक सेल है ग्रेन्यूलोजा लेयर की, एक सिंगल लेयर है। उसके बाद ये अगेन क्या करेगा, डिवीजन करेगा, 2 सेल्स यहाँ से बनेंगे। अब जो 2 सेल्स बने हैं ना वो अनइक्वल है, एक सेल बड़ा बनेगा और एक सेल जो है वो छोटा बनेगा। जो बड़े वाला है अब उसको हम प्राइमरी ऊ साइट नहीं सेकेंडरी ऊ साइट कहेंगे, और साथ में जो छोटा सेल बना है उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। और ये कब बनेगा, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो फॉलिकल है ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये वाली फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल है, यहाँ पर लेट प्राइमरी फॉलिकल लिखा हुआ है लेकिन ये है क्या, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल में एक तो ये सेकेंडरी ऊसाइट बन गया है, दूसरा यहाँ पे एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनी है। अब इसकी पहचान क्या होती है, पहले ये ग्रेन्यूलोजा सेल्स जो है ये सिंगल लेयर थे, ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल लेयर नजर आ रहे हैं।
अब ये ग्रेन्यूलोजा सेल्स हैं, ये मल्टी लेयर्ड हो जाएंगे। एक तो मल्टी लेयर्ड ग्रेन्यूलोजा सेल्स आ जाएंगे, दूसरा इसके बाहर एक और सेल की लेयर आ जाएगी और इसको हम कहेंगे थीका लेयर। ठीक है, थीका लेयर और मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोजा सेल इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक है, मियोसिस वन कंप्लीट हो गई है, सेकेंडरी ऊसाइट प्रोड्यूस हो गया, अब मियोसिस टू स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस टू के बाद ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो टर्शरी फोलिकल, जो सेकेंडरी फोलिकल है वो टर्शरी फोलिकल में चेंज हो गई। डियर स्टूडेंट, ये प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन फोलिकल क्यों डेवेल्प हो रही है? क्योंकि जो प्राइमरी फोलिकल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये तमाम इमेच्योर फोलिकल्स हैं। अगर हमने ओवम को रिलीज करवाना है तो हमें इस फोलिकल को डेवेल्प करना पड़ेगा, जो कि ग्राफियन फोलिकल एक मिच्योर फोलिकल है। ठीक है, अब ये जो फोलिकल है ये सेकेंडरी फोलिकल है, अब ये टर्शरी फोलिकल में चेंज हो जाएगी। टर्शरी फोलिकल में क्या, इसकी क्या पहचान होती है? ये जो ग्रेन्यूलोजा सेल्स हैं ये क्या होंगे, इसके एक तो एंटरम मतलब कैविटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो थीका है उसके दो लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट में थीका की एक लेयर थी, अब सेकेंडरी में थीका की दो लेयर्स आ जाएंगी। एक थीका की बाहर वाली लेयर होगी थीका इंटरना, और जो बाहर वाली लेयर होगी उसको हम थीका एक्सटर्ना कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गई है टर्शरी फोलिकल। ये प्राइमरी फोलिकल, ये सेकेंडरी फोलिकल थी, अब ये है टर्शरी फोलिकल। ठीक है, टर्शरी फोलिकल के बाद जो मिच्योर फोलिकल है उसको हम कहते हैं ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल में क्या होता है कि जो एंटरम है वो साइज में इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो ग्रेन्यूलोजा की सेल की लेयर है अब उसको हम जोना पेलोसिटा कहेंगे, और एक इसकी लेयर है जो कि थीका की है उसको हम ग्राफियन सॉरी उसको हम क्रोना रेडिएटा कहेंगे। ठीक है, तो ये क्रोना रेडिएटा, जोना पेलोसिटा, और ये जो अब ऊसाइट है ना, ये सेकेंडरी ऊसाइट है और ये मिच्योर ऊसाइट है। ठीक है, अब ये फर्दर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी टिल फर्टिलाइजेशन मेटाफेज टू के, मियोसिस टू के मेटाफेज टू पे ये स्टॉप हो जाएगी टिल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ से ओवम रिलीज हो जाएगा। अब ओवम जब रिलीज होगा तो दो चांसेस हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होगी, प्रेगनेंसी होगी, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो वो उसमें हार्मोन्स जो हैं वो कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो एक्चुअली एक्ट कर रहे होते हैं, और किस तरीके से बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, और क्या चेंजेस आती हैं फीमेल के बॉडी में। डियर स्टूडेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब ये जो पूरा हिस्सा है ना ये आपको नजर आ रही है, ये है ओवरी, ये एक ओवरी है और ये है दूसरी ओवरी। ठीक है, अब ये वाली जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम फिम्ब्राए कहते हैं। अब जो एग है ये नॉन मोटाइल है। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता। जैसे ही यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होगा ये फिम्ब्राए इसको कैप्चर करेंगी, और इसके अंदर क्या होती है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एग मूव करके अंदर की तरफ जाता है। अब ये वाला जो इसका नैरो पार्ट है इसको हम कहते हैं ये एम्प्यूल है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, अब ये जो ये पार्ट है इसका यूट्रस, जो यूट्रस है इसके तीन हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसकी उसको हम कहते हैं पेरिमेट्रियम, जो अंदर दरमियान वाली लेयर है उसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन केस ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पे बेबी की, यहाँ पे एग की क्या होगी, जाइगोट की इम्प्लांटेशन होती है, यहाँ पे जाइगोट की इम्प्लांटेशन होती है एंडोमेट्रियम में। अब हमने पीछे देखा कि ग्राफियन फोलिकल जो है वो डेवलप हो चुकी है। ठीक है, डेवलप होने के बाद उसके अंदर क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट है, लेकिन वो अब स्टॉप है कहाँ पे, मियोसिस टू के मेटाफेज टू पे, और वेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन का या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का। पुबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है, हमेशा जो भी हार्मोन ने रिलीज होना है ना तो वो हाइपोथैलेमस की कमांड से ही होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच को, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और पिच्यूटरी पे जाके वो एक्ट करता है। ठीक है, पिच्यूटरी से एफएसएच और एलएच क्या होता है, रिलीज होता है, और फिर जो पिच्यूटरी का एफएसएच और एलएच है ये ओवरी पे एक्ट करता है, ओवरी एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टिरोन को रिलीज करवाती है, ये एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टिरोन ब्लड के जरिए यूट्रस में जाता है, और यूट्रस में जाके ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन केस अगर प्रेगनेंसी हो
और इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो कौन सा हार्मोन सबसे पहले एक्ट करता है, वो किस तरीके से बॉडी में चेंजेस लेके आता है। तो उससे पहले डियर स्टूडेंट, अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसको हम कहेंगे मेनार्क, और अगर क्योंकि जो फीमेल है वो तकरीबन 40 या 50, मैक्सिमम 50 ईयर्स तक रिप्रोड्यूस कर सकती है, मतलब एग की प्रोडक्शन उसमें होती है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। लेकिन मेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, मेल जो है उसमें पुबर्टी से लेकर टिल डेथ उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती रहती है, जबकि फीमेल में क्या होता है, इसकी एग की प्रोडक्शन जब ये फीटस है तब से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी जो स्टॉप है वो 50 इयर्स तक स्टॉप हो जाता है। डिपेंड करता है अगर किसी इंसान का जो एक्टिविटीज हैं उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी डाइट बहुत अच्छी है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे भी जा सकता है, मतलब 60-70 इयर्स तक भी जा सकता है, ठीक है। तो उसकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 इयर्स तक स्टॉप हो जाता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया इसका मतलब है ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, अ फीमेल कैन नॉट बी अ मदर, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा हार्मोन जो है वो कब सबसे पहले कौन सा हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जीएनआरएच को रिलीज करवाएगा, और जीएनआरएच जो है वो ये पिच्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करेगा, ठीक है। पिच्यूटरी पे जाके जब ये एक्ट करता है तो पिच्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन सबसे पहले पिच्यूटरी एक ही हार्मोन को रिलीज करवाती है और वो हार्मोन है एफएसएच, ठीक है। सबसे पहले एफएसएच जाता है और फीमेल की ओवरी पे जाके एक्ट करता है। जो हमने पीछे फोलिकल्स की मैचुरेशन पढ़ी है ना, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि आपको इजीली यहाँ पे समझ आ सके, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये सबसे पहले हमारी प्राइमरी फोलिकल है, फिर सेकेंडरी, फिर ग्राफियन फोलिकल्स, और फिर उसमें से ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ये सारे के सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है। किस तरीके से होता है वो हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो एफएसएच है ये जाता है ओवरी के पास, और ओवरी में क्या है, कॉर्टेक्स पार्ट है और दूसरा क्या है, मेड्योला पार्ट है, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, फोलिकल्स प्रेजेंट है, प्राइमरी फोलिकल्स। अब प्राइमरी फोलिकल्स के ऊपर ये जाके एक्ट करेगा, ठीक है। एफएसएच पहले, सबसे पहले एफएसएच अकेला ही रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद एफएसएच जो है वो उसके साथ एलएच भी रिलीज होना शुरू हो जाता है, और फिर उस प्राइमरी फोलिकल को सेकेंडरी फोलिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। प्राइमरी फोलिकल से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होगा, प्राइमरी फोलिकल से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जब ये सेकेंडरी फोलिकल में चेंज होगा, सेकेंडरी फोलिकल की आइडेंटिफिकेशन क्या है ये हमने अभी पहले डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी फोलिकल है, जब ये यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी फोलिकल बनेगा तो यहाँ से एक हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा और वो है एस्ट्रोजिन हार्मोन। अब ये जो एस्ट्रोजिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये ओवरी के पास जाता है और वहां पे जाके ये एक्ट करेगा यूट्रस के ऊपर। तो इसमें जो हमारे पास है एस्ट्रोजिन, एस्ट्रोजिन सबसे पहले क्या करेगा, एस्ट्रोजिन जाएगा ओवरी से ये रिलीज होगा, ठीक है। ये यूट्रस के पास जाएगा, एंडोमेट्रियम को चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद ये पिट्यूटरी के पास जाता है, जो एफएसएच और एलएच का लेवल पहले इंक्रीज हो रहा था अब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा जब ये एक लेवल पे पहुंचेगा। अब ये डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स है ना वो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए वर्क कर रहे होते हैं, तो ये इसको नेगेटिव फीडबैक देगा, एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो जाएगा, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होगा तो ये सेकेंडरी फोलिकल को टर्शरी फोलिकल में चेंज कर देगा, और टर्शरी फोलिकल से भी बहुत ज्यादा एस्ट्रोजिन रिलीज होगा। जब एस्ट्रोजिन एक पीक पे पहुंच जाएगा, जब एस्ट्रोजिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो ये अगेन पिट्यूटरी के पास जाएगा और एफएसएच और एलएच के लेवल को इंक्रीज करेगा, और ये इनको पॉजिटिव सिग्नल देता है। यहाँ पे एलएच का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया और एफएसएच का लेवल भी इंक्रीज होगा। जब एलएच का लेवल इंक्रीज होगा तो अब टर्शरी फोलिकल से ग्राफियन फोलिकल बनी थी, ये ग्राफियन फोलिकल है, यहाँ से जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो रिलीज हो जाएगा। जब ये सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन, और जो बाकी जो स्ट्रक्चर बचती है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब जो
एलएच का लेवल है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब जब एलएच का लेवल इंक्रीज होगा तो ये जाएगा, पहले यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा था, अब प्रोजेस्टिरोन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। कीप इन माइंड कि जो प्रोजेस्टिरोन है इट इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टिरोन को रिलीज करता है, क्योंकि बॉडी को अभी नहीं पता कि क्या प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी होगी तो ये प्रोजेस्टिरोन के लेवल को इंक्रीज ही रखेगा, ताकि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये ब्रेक ना हो सके, और प्रोजेस्टिरोन जो है यही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास हमारा ओवम जो है वो रिलीज हो चुका है, अब ये जाएगा कहाँ पे, ये एम्प्यूला के अंदर जाएगा, फीमेल जो ओवर फ्लोपियन ट्यूब है, और वहां पे जाके स्पर्म का वेट करेगा। अगर तो स्पर्म आ गया तो इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और जो ओवम है ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों तक लाइव रह सकता है, उसके बाद जो ये है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। फर्टिलाइजेशन होने के 14 दिन के बाद, 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होती है, अगर 7 दिन तक इम्प्लांटेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम 14 डेज तक वेट करता है कि इम्प्लांटेशन हो जाए। अगर इम्प्लांटेशन ना हो तो प्रोजेस्टिरोन का जो लेवल है वो गिर जाता है, अगर प्रोजेस्टिरोन का लेवल कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो भी रप्चर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस प्रोजेस्टिरोन ने ही एंडोमेट्रियम को क्या किया हुआ था, मेंटेन किया हुआ था। अब क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएंगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। अगेन एंड अगेन हर मंथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगा, तकरीबन 3 to 7 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप होते हैं, अगेन जो बॉडी है वो ये तमाम प्रोसेस से गुजरती है, और अगर प्रेगनेंसी हो तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक नहीं होती, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये वॉल जो है ये ब्रेक हो जाती है, और अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।